नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल पांडे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा चार अन्य को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राम रहीम और अन्य को साल 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में 8 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था। रंजीत सिंह की साल 2002 में 10 जुलाई को हत्या कर दी गई थी। पूरा मामला सीबीआई की स्पेशल अदालत में ही चला। घटना के 19 साल बीत जाने के बाद इस महीने की शुरुआत में राम रहीम समेत 5 लोगों को दोषी ठहराया गया था। मामले की पूरी बहस 12 अगस्त को पूरी हो गई थी। सीबीआई ने 3 दिसंबर 2013 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। राम रहीम को एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा के ऐलान से पहले हरियाणा के पंचकुला जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि अगस्त 2017 की हिंसा को देखते हुए राम रहीम से जुड़े किसी भी मामले में सुनवाई या फिर सजा के ऐलान से पहले सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया जाता है। साल 2017 में बलात्कार के एक मामले में राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद 36 लोग मारे गए थे। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से डेरा प्रमुख के लिए मौत की सजा की मांग की थी। वहीं खुद राम रहीम ने रोहतक जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दया की गुहार लगाई थी। आपको बता दें कि राम रहीम जेल में 2 अनुवायियों के साथ बलात्कार करने के लिए 20 सालों की सजा काट रहा है। राम रहीम ने कोर्ट के सामने दया की गुहार लगाते हुए ब्लड प्रेशर, आंख और गुर्दे संबंधी अपनी बीमारियों का भी हवाला दिया था। लेकिन अब राम रहीम को बड़ा झटका लगा है और सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।